प्रोडक्ट अगर मेड इन इंडिया हो तो रिव्यू करने में मजा आता है, लेकिन मेड इन इंडिया होने के साथ साथ प्रोडक्ट का R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अगर इंडिया में हो तो उसको रिव्यू करने में और मजा आता है। मेरे पास आगे ऐसा ही कुछ मेबी की तरफ से मेबी डोपॉट A25 एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। प्रोडक्ट को मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था, 2 दिन तक इसको यूज किया आपको अच्छे से रिव्यू देने से पहले। चलिए आपके लिए फिर से एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ एक यूजर मैनुअल दिया गया है, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल यहाँ पे दिया गया है, कुछ एयरबड टिप्स भी दिखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट मेबी डुओपॉड A25। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ऊपर मेबी का ब्रांडिंग दिया गया है, एंड अगर ये कैप्सूल की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट है एंड प्लास्टिक मेड है। यहाँ पे जो लीड दिया गया है मैग्नेटिक है, एंड लीड को ओपन करते ही 2 ईयरबड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको निकालने का भी एक आसान तरीका है, यहाँ से आप इसको पुल कीजिए, देखिए कितना इजीली ये निकल जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड यहाँ से पुल करेंगे सेकेंड वन, बहुत ही ईजिली ये निकल गया। यहाँ पे जो ईयरबड दिया गया है ये प्लास्टिक मेड है, टॉप का ये पोर्शन आप लोग देख सकते हैं ये मैट फिनिश है, एंड जो बाकी का पोर्शन है यहाँ पे ये ग्लॉसी फिनिश इसमें दिया गया है। ये जो ईयरबड्स है ये कान में आसानी से फिट भी हो जाते हैं, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। मैंने इसको 2 दिन तक यूज किया है एंड मुझे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ है। आपके सामने इसको वेयर करके थोड़ा दिखा देता हूं। सो बहुत ही इजीली ये कान के अंदर फिट हो जाता है, इसको इजीली निकाल भी सकते हैं एंड इजीली कान के अंदर ये फिट भी हो जाता है। अगर बेस की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा तगड़ा बेस देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बेस ऐसा है जिसमें आपको सर दर्द नहीं करता है। बहुत से ईयरबड्स ऐसे होते हैं जिसमें बेस तो अच्छा होता है लेकिन आपका सर दर्द करने लगता है, लेकिन इसमें आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका बैटरी लाइफ चेक करने के लिए मैंने कंटिन्यूअस 7 घंटे इसको यूज किया, लेकिन मुझे कोई भी तरीके का हेडेक या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बेटर थॉट है। देखिए LED नोटिफिकेशन जो इंडिकेटर है, देखिए ये ईयरबड को मैं निकाल लेता हूँ, देखिए जो इंडिकेशन है बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्वाइट ऑफ प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का सोचो, आप बाहर जाते हो कान में रेड ब्लू जलता रहता है, जो कि क्वाइट चीप लगता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोनों का जो इंडिकेटर है एकदम हल्का है। बहुत से लोग कहेंगे कि अरे इसमें तो इंडिकेटर बहुत हल्का वाला दिया। अरे भाई कम पावरफुल वाला LED इंडिकेटर दिया है वो तो अच्छी बात है, कम से कम चीप चाइनीज मेड वाला फील तो नहीं देता है। इसमें LED इंडिकेटर उतना पावरफुल नहीं है बोल के मेरे जैसे बहुत लोग जो साइड पे काम करते हैं वो अच्छे से यूज भी कर पाएंगे, लेकिन जो लोग ऑफिस में भी रहते हुए बहुत सारा फोन कॉल करना पड़ता है वो लोग इस ईयरफोन को आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रन टाइम बहुत अच्छा है एंड कान में वो रेड ब्लू जैसा जलता नहीं रहेगा। सो एक चीप फीलिंग जो है वो नहीं देगा, थोड़ा प्रोफेशनल फील देगा। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो ये आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ में। इसमें मुझको कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नजर नहीं आया है। मेरा जो बैल्कनी देख रहे हैं ये 28 फीट लॉन्ग है, इसमें मैंने टेस्ट किया लेकिन उसमें कोई भी इशू नहीं आया है। क्या टेस्ट किया है चलिए आपको दिखा देते हैं।
देखिए अभी जो म्यूजिक है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, सो सिंगल टच करूंगा यहाँ पे, सो देखिए म्यूजिक पॉज हो गया। बीच का जो ये बटन है थोड़ा ख्याल कीजिए, फिर से टच किया, प्ले हो गया। एंड इसमें भी सेम है, सिंगल टच से पॉज भी होता है एंड सिंगल टच से प्ले भी होता है। सो सिंगल टच से पॉज प्ले कर सकते हैं। देखिए राइट साइड का जो ईयरबड है, इसको डबल टच करूंगा तो नेक्स्ट सॉन्ग में जाएगा, सो नेक्स्ट सॉन्ग में आ गया। एंड लेफ्ट साइड का जो ईयरबड है, इसको टच करूंगा तो प्रीवियस सॉन्ग में आ जाएगा। एंड अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे कोई भी ईयरबड्स में, तो आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट, सिरी या फिर बिक्सबी जो भी है वो ओपन हो जाएगा। रन टाइम क्या है दोस्तों, कंपनी का कहना है कि कैप्सूल के साथ ये आपको दे देगा 30 आवर्स का रन टाइम, लेकिन ये जो ईयरबड्स है ये सिंगल चार्ज में आपको दे देगा 7.5 आवर का रन टाइम। कैप्सूल के साथ ओवरऑल रन टाइम तो चेक नहीं कर पाया, लेकिन ईयरबड्स का सिंगल चार्ज में जो रन टाइम है वो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। मैंने इसको टेस्ट किया कंटिन्यूअसली, मैं बहुत देर तक इसको पहन के रखा था एंड जो रन टाइम मुझे एक्चुअल में मिला वो है 7 आवर 15 मिनट्स। इसका जो वॉल्यूम था मैंने अराउंड 80% में रखा था। सो आजकल कंपनीज ईयरबड्स के रन टाइम के मामले में जो दावा करते हैं वो मैच नहीं होता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन इसमें मीवी ने बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी का कहना था सिंगल चार्ज में 7.5 आवर्स तक ये रन टाइम दे देगा, उसके आसपास ही मुझे रन टाइम मिला है 7 आवर एंड 15 मिनट्स। एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं आया है, वो है माइक का क्वालिटी। मैंने कॉल को रिकॉर्ड किया है तो वो ऑडियो में प्ले कर देता हूँ एंड आप लोग माइक का जो क्वालिटी है उसको जज कर सकते हैं। मैंने अपने ईयरफोन से दूसरे फोन में कॉल किया एंड अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग जज कीजिए कि इसका ऑडियो कैसा है। सिर्फ माइक को छोड़ के बाकी जितने सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए सब में इस एयरपॉड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा दिखने को मिला है। ये आता है IPX4 रेटिंग के साथ में, जिसका मतलब है ये स्प्लैश प्रूफ है, जो कि एक अच्छी बात है। व्हाट इज अबाउट द वारंटी दोस्तों, मीवी डुओ बॉट A25 के साथ आपको मिल जाता है कंपनी की तरफ से पूरे एक साल का वारंटी। दोस्तों इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।